We're on the sets of Razia Sultan and we have the lead characters with us. So, aapke character ke bare mein hame kuch bataiye. ये किरदार सुल्तान अल्तमश का है जो मैं पेश करने की एक नाकाम सी छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ. आज से करीब 800 साल पहले ये सुल्तान हुआ करते थे और इन्होंने पहली बार औरत को पर्दे के बाहर लाने की कोशिश की और ये नहीं सोचा कि एक औरत को सुल्तान क्यों बनाया जाए, लेकिन ये सोचा कि चाहे उनके अपने बेटे हैं जो सुल्तान बन सकते हैं, लेकिन उनमें क्योंकि काबिलियत नहीं है और वो काबिलियत उनकी बेटी में है, तो क्यों ना उसे बाहर लेकर उसे सपोर्ट किया जाए कि वो सुल्तान बन सके. तो ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है. बात इतनी पुरानी है और उस ज़माने में ऐसा सोचना भी एक गुनाह की तरह था जो उन्होंने कर दिखाया. आज भी हम देखते हैं कि हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो मुझे लगता है ये कहानी जो रज़िया सुल्तान की है वो काफ़ी हद तक लोग उसके साथ रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह की बातें आज भी होती हैं और तब भी होती थी. एंड मैम, कैन यू टेल मी अबाउट योर कैरेक्टर? मेरा जो किरदार है वो शमशाद बेगम का है और शमशाद बेगम जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की बीवी थी और उन दिनों जो कायदे कानून और जो उसूल के साथ सल्तनत चलती थी वो हमेशा कोशिश करती है कि उन्हीं कायदे कानून को बिना तोड़े ये सल्तनत भी उसी तरह अच्छी तरह चले, और वो हर किसी के हक़ के लिए वो खड़ी होती हैं. उन्हें गलत लगता है तो वो गलत अपना शो भी कर देती हैं, बता भी देती हैं, जाहिर कर देती हैं कि हाँ ये गलत है, और जो सही है वो सही का साथ देती हैं. ओके, एंड जो ये शो है, दिस शो इज़ अबाउट रज़िया सुल्तान. सो योर कैरेक्टर्स, कैसा कभी हुआ कि हाँ आपको लगा कि नो वी आर प्लेइंग द सेकंड लीड, वी आर नॉट द मेन लीड ऑफ द शो? देखिए, फ़िलहाल इसमें इस तरह की कोई सोच हम लोग लेकर चले ही नहीं हैं, क्योंकि ये किरदार जो मैं कर रहा हूँ वो डेफिनेटली एक लीड कैरेक्टर ही है और ये वो इंसान है जिसने रज़िया सुल्तान को रज़िया सुल्तान बनाया. तो ये किरदार उस तरह का नहीं सोचा जा सकता, जबकि हर किरदार आप देखें जाए, शमशाद का भी जो किरदार है, जो शाह तुर्कन का किरदार है, जो मेरी रखैल बनी है, ये सारे किरदार अपने आप में, जो उनका बेटा है रुकनुद्दीन जो बना है जो फिर सुल्तान बनना चाहता है, इस तरह के सब जो किरदार हैं वो सब इम्पॉर्टेंट ही हैं. और मज़ा इस बात का है कि हमें ऐसा लगता है कि भाई उस ज़माने में झांक कर तो देखें कि क्या होता था. तो वो जर्नी जो रज़िया सुल्तान की वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं. हमें आशा है कि आप लोगों को. सो दूसरे जो कैरेक्टर्स हैं, द अदर कैरेक्टर्स दैट आर देयर इन द शो, उनमें से आपको कौन से लगते हैं कि लाइक देयर आर मेनी मेनी न्यू कैरेक्टर्स, न्यू एक्टर्स आल्सो हु हैव कम अप, हु इज़ द मोस्ट लाइक जो सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करता हो? मेरे हिसाब से हर किरदार अपने आप में स्टैंड आउट कर रहा है और ये अब ऑडियंस डिसाइड करेगी कि उन्हें सबसे अच्छा कौन सा लगता है, क्योंकि ये कहना फिजूल होगा कि ये सीरियल में हम कुछ नया दिखा रहे हैं, कुछ अलग दिखा रहे हैं. वो तो दिखा ही रहे हैं, क्योंकि रज़िया सुल्तान तो अपने आप में एक ही थी. उसकी ज़िंदगी के बारे में हम जो भी दिखा रहे हैं वो तो एक ही बार हुआ, तो वो अपने आप में वो तो अलग ही था, वो तो नया ही था. तो हम कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वो था ही ऐसा. जो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं वो हिस्ट्री है. अब उसको आप देखेंगे और उसमें हम जिस तरह से उसे आपके सामने पेश करेंगे, वो अंदाज़ जो है वो आपसे ऐसा, हम भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आज की ऑडियंस ऐसा ना समझे कि अरे ये तो समझ में नहीं आया, ऊपर से निकल गया. नहीं, वो अल्फाज, वो शब्द बहुत साधारण, रीचेबल, समझने वाले. ख़ास तौर पे जो स्वास्तिक चैनल है एंड चैनल, स्वास्तिक प्रोडक्शन और एंड चैनल जो हैं, इस बात पे उन्होंने ध्यान दिया है कि सीरियल आज की जनरेशन को भी समझ में आए, वो रिलेट कर सकें, और हमें भी करते हुए वो आसानी है. मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग उर्दू क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल ऐसा नहीं कर रहे हैं. ओके, एंड जो सारे और भी चैनल्स में देर आर लॉट ऑफ हिस्टोरिक सीरियल्स गोइंग ऑन, लाइक सम्राट अशोक इज देयर, इसके पहले महाभारत, स्वास्तिक प्रोडक्शंस का ही था, बहुत सारे चैनल्स में बहुत सारे सीरियल्स आते हैं, तो हाउ डू यू थिंक दिस शो विल स्टैंड आउट फ्रॉम ऑल ऑफ देम? जैसे मैंने अभी कहा कि ये अलग अपने आप में ही है, जैसे मैं, मेरा जीवन अलग है, इनका जीवन अलग है, वैसे ही रज़िया सुल्तान का जीवन अलग है. तो हम जब उसके घर में, उसके जीवन में झांक रहे हैं, तो आपको जब वो रंग नजर आएंगे तो अलग ही लूंगे, तो अच्छा लगेगा. इस किस्म के सेट्स, इस किस्म की यू नो जो इन्होंने ली है, अपना फिल्मिंग की है और वो सब किया है, आप देखिएगा कॉस्ट्यूम से लेके हर कैरेक्टर अपने रोल में इतना सुंदर, इतना अच्छा लग रहा है, पूरा प्रेजेंटेशन, ये पूरी प्रेजेंटेशन ही एक नायाब चीज होगी. ओके, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, थैंक्स अ लॉट एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द शो. थैंक यू.